एसएससीई मार्च 2017 का पेपर देख रहे हैं जो फॉरेन के लिए था मैथमेटिक्स का। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं जो आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, 31 क्वेश्चन है एबीसीडी में, ये मार्किंग दी हुई है और कैलकुलेटर आपका परमिटेड नहीं है। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में दिया हुआ है कि अगर एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है तो आपको के निकालना है। तो बहुत आसान है, इसमें x की जगह आपको 2/3 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए k के लिए। तो आप x की जगह 2/3 रखेंगे क्योंकि अगर ये रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे k आपका 2 आएगा। एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। इसको मैं इस तरीके दिखाता हूं, ये आपका वॉल है और ये 15 मीटर की लैडर है, ये 60 डिग्री इस तरीके से बना रही है विद द वॉल, राइट। ये 60 डिग्री ये वाला है, आपको हाइट निकालना है ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल, यानी कि ये एच निकालना है आपको। तो इसके लिए आपके पास क्या है, अगर इस एंगल को देखें तो इसके लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज मिला है, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये कॉस वाला होता है, कॉस थीटा इस एंगल के हिसाब से। तो कॉस थीटा, तो कॉस 60 दिया ही हुआ है, इसको कर दीजिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी एच बाय 15। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता ही है, कॉस 60 की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए दे रखा है, आपकी हाफ होती है तो 15 का आधा कर दीजिए, 7.5 आ जाएगा। अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एच 2 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ फॉर्म। इसमें क्या करेंगे, अगर ये क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम जो होगा वो एन इंटू, आपको पता नहीं कितने हैं, एन हो सकते, एन सॉलिड क्यूब्स बने, एन इंटू, मैं इसको इस तरीके से करता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब्स, मैं इसको एस सी कर देता हूं। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, और या फिर इसका पूरा डायमेंशन दिए हुए, और क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, तो 9 × 8 × 2 विल बी इक्वल टू एन इंटू 2 × 2 × 2। तो इसको अगर नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वॉल्यूम ऑफ एक हिस्से, 9 × 8 × 2 इसकी वॉल्यूम हो गया, 2 × 2 × 2 इसका वॉल्यूम हो गया, दोनों डिवाइड किया 18 आ जाएगा। PQ is a tangent drawn from external point to a circle with center O. QOR is the diameter of the circle. If POR is 120 degree, what is the measure of OPQ? इसने पूछा ये गया है कि PQ, ये आपका P और Q, ये आपका टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया एक सर्कल के लिए, सेंटर इसका O है, QOR ये वाला एंगल आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, ये इसमें जो QOR है इसमें QOR पूरा ये डायमीटर दिया हुआ है, ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। इफ POR एंगल 120 दिया हुआ है, ये 120 है, आपको मेजर निकालना है OPQ का, यानी आपको ये एंगल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इस 120 होगा इसके और इसके सम के बराबर। ये तो क्योंकि टेंजेंट है और ये आपका रेडियस है, ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 120 - 90 यानी कि 30। तो पी ओ आर बेसिकली दिस इज POR इज नथिंग बट दिस OPQ प्लस OQP, दिस प्लस दिस, ये 90 है, ये थीटा मान लीजिए, इसको रख दीजिए 120 - 90 करिए, 30 आ जाएगा। सेक्शन बी, एक्स के लिए हल करिए इसको, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें फैक्टराइज कर लीजिए, 10 को आप 12 - 2 कर सकते हैं। अब यहां पर आप √3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, यहां पर -2 कॉमन ले लीजिए, अंदर x प्लस 4√3 आ जाएगा, x प्लस 4√3 आ जाएगा, यानी कि √3 - 2 और x प्लस 4√3 आपके फैक्टर्स बन जाएंगे, x आ जाएगा एक बार में 2/√3, x एक बार में आ जाएगा -4√3। इफ 7 times the 7th term ऑफ AP इज इक्वल टू 11 times the 11th term, वॉट विल बी दी 18th term, मतलब 7 times 7th term, यानी कि आप इसको बोलिए, अगर मैं एपी के बारे में बात करूं तो एपी कर देता हूं, ए सेवन इज इक्वल टू 11 times 11 times A11, देन व्हाट विल बी दी 18th term। तो हम क्या करेंगे, 7A7 इक्वल टू 11A1 का मतलब ये है कि A7 क्या होता है, A+(n-1)(d) वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि n आपको 7 दिया हुआ है, 7 - 1 × d कितना होता है, A+(6d). इसी तरीके से A11 क्या हो जाएगा, A+(10d), दोनों बराबर करिए आप, यहां पर आपका
ए और डी के बीच में रिलेशनशिप बन जाएगी, और जैसे ही ए और बी के डी के बीच में रिलेशनशिप बनी आपकी, क्योंकि माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ए प्लस सेवेंटी डी, एक ये जो ए प्लस सेवेंटी डी जो आपका जो उसको सॉल्व करें आएगा, ए प्लस सेवेंटी डी क्या होता है, ए प्लस एटीन माइनस वन इंटू डी, यही तो एटीन टर्म है, यही तो एटीन टर्म है, तो ये जीरो हो जाएगा, एटीन टर्म इज जीरो. टू डिफरेंट डाई आर थ्रोन टूगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज लेस देन 18. दो आपने डाई को थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज लेस देन 18. यहां पर जो भी नंबर ऐसे आएंगे, जैसे 1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, जो 5 आया, इसमें 6 आया, तो 2 into 3 हम लेंगे क्योंकि ये 2 into 3 18 से कम है, 1 into 1 लेंगे क्योंकि 18 से कम है, लेकिन 5 into 6 करेंगे तो 18 से ऊपर चला जाएगा क्योंकि 30 होता है. तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कुल मिला के कितने हो सकते हैं 36, कुल मिला के आउटपुट कितना हो सकते हैं 36, फेवरेबल देखते हैं कितने आते हैं. तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे 36, और अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे मैं आपको एक एक करके बता दूं कि इसमें कुल मिला के 18 बनाएंगे, एक दो बता देता हूं, जैसे 1 1, 2 3, 3 2, 6 1, ऐसे करके कुल मिला के 26 बनेंगे. या आपको प्लीज खुद बनाइए, तो 26 आपके फेवरेबल केस है, 36 आपके टोटल केसेस है, 13/18 आपका आंसर होगा. इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस. इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है, ए और बी इन्होंने दिया हुआ है, और आपको ये भी बता दिया. अब पैरेललोग्राम है, ध्यान रखिएगा कि जो डायगनल्स हैं वो आपस, वो आपका इंटर वो करती है, बाइसेक्ट करती है. तो कितना आसान हो गया ये निकालना. टू क्या होगा, इसको मैं देख रहा हूं, डी और बी को, टू क्या होगा, एक्स डैश प्लस माइनस वन बाय टू इक्वल टू टू, इसे एक्स डैश आ जाएगा. ऐसे ही आप जीरो प्लस वाई डैश बाय टू इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये आ गया आपका. ऐसी x प्लस 3 बाई टू इक्वल टू टू और y प्लस 2 बाई टू इक्वल टू माइनस फाइव, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. ये सारे के सारे एक 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 करके सॉल्व करेंगे, ये आपका एक आपका 1 माइनस 12 आएगा, एक 5 माइनस 10 आएगा. इन अ फिगर इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये 16 में और 15 में दोनों में आया है, ध्यान रखिएगा. ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि ये आपका ये लाइन और ए सी के बराबर है. आपको प्रूव करना है कि बी ई और ई सी बराबर है, ये और ये बराबर है. देखिए इसमें ये जो है, पहले मैं इस तरीके से बताता हूं आपको, समझ लीजिए, ए बी ए सी बराबर है, ए से टेंजेंट गई है ए डी और ए एफ, यानी कि ये दोनों बराबर है. बी से टेंजेंट गई है डी और सी इसके लिए, तो ये दोनों बराबर होगा. सी से टेंजेंट गई है एफ और ई के लिए, यानी कि ये दोनों भी बराबर हो गए. ठीक, तो ए बी ए सी के बराबर है, और आप यहां देखिए पूरा ए डी और ए एफ बराबर है. जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ए बी में से ए डी हटा लीजिए. इस पूरे में से आप अगर पूरे ए बी में से अगर आप ए डी हटा लेंगे तो क्या बचेगा, डी बी तो बचेगा, तो ए डी भी हो गया. ए सी में ए एफ हटा लेंगे तो आपका सी एफ आ जाएगा, राइट. और सी एफ किसके बराबर, अभी भी मैंने बताया वो ए सी के बराबर है. सी एफ किसके बराबर है, ई सी के बराबर है. और क्योंकि टेंजेंट बी डी आपका बी डी बी के बराबर है, सी एफ सी के बराबर है, क्योंकि बी डी और बी बराबर है, तो इस जगह पे मैं इस वाली इक्वेशन में बी डी की जगह बी ई रख सकता हूं, तो सी एफ और ई सी बराबर हो गया. ठीक, सी एफ और ई सी बराबर हो गया, तो बी ई और ई सी अपने आप बराबर हो गया इन दोनों इक्वेशन से. तो आप समझ गए ना, मैंने जो बताया उसका कंडीशन ये है कि बी ई और ई सी प्रूव करने के लिए, ये और ई सी इक्वल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों को बराबर बताया, फिर हमने क्या किया कि इन दोनों को बराबर बता के ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहां तक ले आए. हम ये कह रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इसको इसके इक्वल बता दिया, ये इसको इक्वल इसके इक्वल बता दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये किया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर देयर विल बी 53 ट्यूसडेज, मंगलवार. लीप ईयर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, लीप ईयर का मतलब होता है 52 वीक साथ में 2 दिन और. 52 वीक तो होते ही, 52 वीक होते हैं, 7 करिए कितना आता है, 364 दिन होते हैं साल में, लेकिन लीप ईयर में जो 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा लीप ईयर.
इसका मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ये दो दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये एक के बाद एक ही तो आएंगे, तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे मंडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है ना, मंडे से शुरू करें संडे तक तो हमने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। अब इसमें फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी फाइंड द दैट 53 मंगलवार होंगे, ट्यूसडे मतलब एक आपको मंगलवार के लिए नहीं है, तो कुल मिला के कितने आपके ये केसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल मिला के 7 आपके टोटल केसेस हैं, और इसमें फेवरेबल केस है जिसमें आपका मंगलवार आए, इसमें और इसमें मंगलवार आ रहा है, यानी कि 2/7 हो गया इसका, बाकी में मंगलवार नहीं आया। तो ये हुआ ए और बी पार्ट आपके 2017 फॉरेन के पेपर का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।